गाइस, तो कैसे हो आप सब। और ये वीडियो है वन प्लस नॉट सी 5G के बारे में। एक नया अपडेट आया है आज। अगर आपको ये मिला है, अपडेट नहीं मिला है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये अपडेट कब आया है अगर वो भी पता है तो बता सकते हो। वैसे जो वर्जन है वो है 11.0.4.4 का। एंड इस अपडेट का एक ओवरव्यू मिलेगा आपको इस वाले वीडियो में। पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। एंड कोई भी एक्सेसरीज ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर अल्ट्रा क्लियर स्क्रीन प्रोटेक्टर मैट फिनिश वाला, तो बैक के लिए अगर आपने ब्लैक कलर परचेज़ कर लिया है एंड आपको दिक्कतें आ रही है, आपको उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं लग रहा है, फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मैट जो पॉलीमर है या जो मैट प्रोटेक्टर है आपको काम में आएगा। चलो यहाँ पर चेंज लॉग बताते हैं। तो ये जो वर्जन है 11.0.4.4 का, यहाँ पर सिस्टम में इम्प्रूव द फेस अनलॉक एक्सपीरियंस तो ये इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव द चार्जिंग स्पीड, तो चार्जिंग स्पीड इम्प्रूव होना ज़रूरी था, जो कि 80 मिनट्स लग रहा था शायद अब इम्प्रूव हुआ है, बट इस वीडियो में वो बता नहीं सकता, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इम्प्रूव द सिस्टम स्टेबिलिटी एंड फिक्स नोन इशूज़, तो यहाँ पर कुछ जो है सिस्टम बग्स वगैरह फिक्सेस करेगा। कैमरा में बताते हैं, तो कैमरा में यहाँ पर इम्प्रूव द फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस, तो फ्रंट कैमरा में कुछ इम्प्रूवमेंट करी गई है। एंड रिड्यूस द नॉइज़ इन डार्क एरियाज ऑफ नाइटस्केप फोटोज़, तो नाइटस्केप फोटोज़ में जो डार्कर एरियाज थे वहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन की बात यहाँ पर करी गई है। एंड ऑप्टिमाइज द वीडियो कॉल एक्सपीरियंस, तो वीडियो कॉल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, इतना ज़्यादा वीडियो कॉल्स नहीं लेता हूँ, तो इसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी कैमरा सैंपल्स वगैरह सब आपको इस वीडियो में मिलेगा, नाइटस्केप सैंपल्स भी मैंने लिए हुए हैं, तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो इस तरीके से मैंने अपडेट जो है सक्सेसफुली कर लिया है। उसके बाद कुछ बेंचमार्किंग स्कोर्स वगैरह यहाँ पर रन किया हुआ, जो कि है सीपीयू थ्रॉटलिंग। एंड यहाँ पर ये जो थ्रॉटलिंग है ये कंसिस्टेंट है। एंड ये रन करने से पहले कोई भी मैंने चार्जिंग में नहीं डाला हुआ था, फ़ोन ठंडा था, बैकग्राउंड में कुछ भी रन नहीं कर रहा था, फिर भी यहाँ पर जो है 64% तक ये थ्रॉटल कर गया। एंड पहले भी इतना ही था, पहले 65% का थ्रॉटल हुआ था एंड आखिर में जाके मतलब 11-12 मिनट के बाद ये बहुत ज़्यादा थ्रॉटल करता है। एंड एवरेज स्कोर, मिनिमम स्कोर एंड मैक्सिमम स्कोर्स आप देख सकते हैं। एंड्रॉइड बेंचमार्किंग की बात करते हैं, यहाँ पर 327,000 का स्कोर निकल गया। शायद पिछले अपडेट में अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, जो पहला अपडेट का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ था 3.3 का, तो वहाँ पर शायद 320,000 का या 22,000 का ऐसा उसको स्कोर निकल के आया था। तो एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है एंड्रॉइड बेंचमार्किंग में। एंड जो गीकबेंच 5 है, यहाँ पर सिंगल कोर 635 का एंड मल्टी कोर 1851 का, मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ क्योंकि गीकबेंच 5 में आप हिस्ट्री चेक आउट कर सकते हो। तो पहला जो मैंने स्कोर लिया था तो वहाँ पर 638 का एंड 1867 का था, मतलब जो 3.3 वाला 11.0.3.3 का। एंड आज जो मैंने लिया हुआ है 635 का एंड आपको मल्टी कोर 1851 का, तो एज सच बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं। चलो अब मैं आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड के बारे में बताऊँ, जो कि मेरे को फास्ट लगती है, एज सच कोई भी लैग नहीं है। एंड जो रियलमी X7 मैक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसके जैसा ही स्पीड यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। और उसके बाद जो एनिमेशन देखने के लिए मिलता है वॉलपेपर में, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड फेस अनलॉकिंग स्पीड जो है अभी इम्प्रूव हो गया है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लो। तो फेस अनलॉकिंग स्पीड तो मेरे को सही लग रही है। एंड इससे पहले हालांकि मैं यूज़ नहीं करता था, बट आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि फेस अनलॉकिंग की स्पीड अभी आपको कितना बेहतर लग रहा है, कितना चेंज लग रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ पर सिस्टम में लेके चलता हूँ, जो कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है वो आपको नया देखने के लिए मिलता है। पहले आपको जो है मे का सिक्योरिटी पैच था, अभी आप बिल्ड नंबर देख सकते हैं 11.0.4.4 का। तो पहले जो 3.3 था वहाँ पर आपको मे का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलता था, आउट ऑफ द बॉक्स मेरे को जो है अप्रैल का मिला था। अभी आपको यहाँ पर जून का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल रहा है इस अपडेट के साथ, तो आपको नया जो है पैच सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से बढ़िया है, जो कि चेंज लॉग कोई मेंशन भी नहीं है। कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो कैमरा सैंपल्स मैं आपको अभी बताऊंगा। तो फ्रंट कैमरा में इंप्रूवमेंट है एंड जो नाइट्स के फोटोज़ हैं, जो डार्कर एरियाज हैं वहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन की बात करी गई है। तो पहले आप कुछ यहाँ पर सैंपल्स देख लो एंड फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रंट कैमरा सैंपल्स लिए हैं, बट अभी भी जो शटर लैग देखने के लिए मिलता है फ्रंट कैमरा में, वो अभी भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप हाथ थोड़ा सा हिलाते हैं, थोड़ा एक सेकंड नहीं रुकते हैं क्लिक करने के बाद, तो कुछ ऐसा हेजी सैंपल आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड कुछ नॉर्मल सैंपल्स लिए, तो नॉर्मल सैंपल सही है, अभी भी कलर कैलिब्रेशन मेरे को सही देखने के लिए मिल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिटेलिंग थोड़ा सा अभी भी कम देखने के लिए मिल रहा है, हालांकि ये जो है रियर कैमरा के लिए अपडेट नहीं था, ये फ्रंट कैमरा के लिए। तो फ्रंट कैमरा मेरे को ऐसा जो है बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए नहीं मिला है, हालांकि मैं और भी टेस्ट आउट करूँगा। ये कुछ नाइटस्केप सैंपल्स आप देख सकते हैं, मैं बिफोर आफ्टर अभी आपको बताऊँगा, तो ये आप सैंपल देख लो। एंड बिफोर आफ्टर एज सच सेम टाइम पे तो नहीं लिया गया है, बट ये बिफोर
जो है सेम सिनारियो में, लगभग सेम सिनारियो में लिया गया है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा है। जो डार्कर एरियाज है वहाँ पर जो है नॉइज़ रिडक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है। एंड कॉर्नर में आप देखोगे तो थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ पर डिटेलिंग थोड़ी सी ठीक लग रही है, एंड बहुत ज़्यादा हेजी नहीं लग रहा है आफ्टर अपडेट। तो आपने कैमरा सैम्पल्स देख लिया एंड मेरे को ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस तो अभी इनिशियली नज़र नहीं आ रहा है, बट मैं और भी टेस्ट आउट करूँगा एंड आपको एक डिटेल कैमरा रिव्यू वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वो वीडियो देखनी है आप कमेंट कर सकते हैं, एंड चार्जिंग स्पीड के रिगार्डिंग वो वीडियो आ जाएगी, एंड जो वीडियो कॉल में इंप्रूवमेंट आई है वो आप मेरे को कमेंट में बता देना ऐसा कोई आई है कि नहीं आई है। तो टोटल एक रिव्यू वीडियो आएगा इस अपडेट के रिगार्डिंग, एंड जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो एक्सरसाइज वाली वीडियो है वो भी आ जाएगी बहुत जल्द, कल आप शायद कल आपको वो देखने के लिए मिल जाए। तो इतना ही था इस अपडेट के रिगार्डिंग, और अगर आपको अपडेट मिला है तो आप मेरे को कमेंट बता देना, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।